बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर माधुरी अभी अभी खाली हुई थी। बिस्तर पर लेटी तो मन पिछली यादों में डूब गया। साल भर पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। पति की अचानक किडनी खराब होने के बाद उनके इलाज में पैसे पानी की तरह बह गया। उनके जाने के बाद जीवन जीने का सारा उत्साह ही चला गया था। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। 8 महीने तक अस्पताल की लंबी चौड़ी बिल भरकर अब हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। बेटे बहू और दोनों बच्चों का नाश्ता खाना बनाते बनाते माधुरी बिल्कुल थक गई थी। काम वाली भी 2 दिन से नहीं आ रही थी। बहू चारों ही पूरे घर के साफ सफाई का काम और ऊपर के काम देख रही थी, साथ साथ बड़बड़ाती भी जा रही थी। शाम होते ही माधुरी को तेज बुखार हो गया और सिर दर्द होने लगा था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके रहने पर ही यही बहू बेटे आगे पीछे घूमते थे। अब तो बेटा भी बात बात पर घुड़क देता था। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मैं पूजा कर रही थी तब सुभाष ने आकर कहा, सुनते ही उनका मन वितृष्णा से भर उठा था। पत्नी की तकलीफ दिखाई पड़ती है पर माँ की तकलीफ नहीं दिखती। बुखार आते ही वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। चारू 4 बार आकर झांक गई पर एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि तबीयत कैसी है, कोई दवा ही दे देती। खाना तो दूर की बात थी। चारू को चिंता थी कि शाम को कौन खाना बनाएगा, मेहमान जो आने वाले थे। माधुरी बड़ी हिम्मत करके उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर पड़ी। दूसरे दिन होश आया तो उन्होंने कमरे में अपने आप को नितांत अकेला महसूस किया। उन्होंने अपना बैग उठाया और उसमें पास रखे पैसे डाले। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। स्कूल की अध्यापिका रह चुकी थी, अकेले जाना उनके लिए कठिन न था, पर जिस मनस्थिति में निकली थी वो बार बार विफल कर रही थी। मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। जिस परिवार के लिए सुबह से रात गए तक सारे घर का काम करने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही परिवार मेरी तकलीफों को बहाना समझकर बीमारी में झांकने भी नहीं आया। किसी ने खाने को भी नहीं पूछा था। बेटे बहू ने उनको कमरे में रात भर लावारिस की तरह छोड़ दिया। चारू का कोई दोष नहीं है। जब अपनी कोख से जन्मा बेटा ही पराया हो गया तो वो तो दूसरे घर से आई है। ये मेरी मजबूरी थी कि वहां रह रही हूँ। अस्पताल जाकर खुद ही सारी औपचारिकताएं पूरी की और एडमिट हो गई। पहले भी चारू की ये बातें कई बार सुन चुकी हूँ कि जब देखो बीमारी का बहाना करके सो जाती है। इस बार बुढ़िया बीमार होगी तो अस्पताल में ही छोड़ दूंगी, चाहे कुछ भी हो मेरी बला से। तभी एक चिर परिचित सी मुस्कान लिए सामने खड़ी नर्स को देखकर वो चौंक पड़ी। उनके हाथों में दवाइयों की ट्रे थी। सफेद झकझक लिबास में वो उनके पास आकर उनका टेम्परेचर नापने लगी, जो कि सामान्य था। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा चौंक पड़ी। माधुरी मैम, आपने मुझे पहचाना? कक्षा 8 में आप मुझे हिंदी पढ़ाती थी, आपको याद है? आपने एक बार मुझे क्लास में बातें करने पर बोर्ड के पास खड़े होने की सजा दी थी। मुझे चक्कर आ गया था, पूरी क्लास दौड़कर सामने आ गई थी। कोई पानी लेने भागा था, कोई पंखा चल रहा था, मैं आपकी गोद में चिपक ही गई थी। आपने मुझे सहारा देकर सिक रूम में लिटा दिया था। आपकी वो डबडबाई आंखें मैं कभी नहीं भूली मैम। आपने मुझे कितना स्नेह दिया था। 12वीं की परीक्षा के बाद आपसे बिछुड़कर मैं बहुत रोई थी। आप मेरी फेवरेट टीचर थी। आज मौका है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शिवानी की बात सुनकर माधुरी की आंख भर गई। माधुरी को याद आया आज से 12 साल पहले जब वे स्कूल में पढ़ाती थी उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन पढ़ाते समय पीछे की सीट पर बैठी शिवानी किसी से बात कर रही थी और उन्होंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर बोर्ड की तरफ लाकर खड़ा कर दिया और पढ़ाने में मशगूल हो गई। तभी उन्होंने बच्चों के चेहरे पर उभरते असमंजस के भाव देखे। देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे को इशारा करते हुए अपनी सीट से निकलकर भागे। उन्होंने देखा शिवानी लहराई और गिरने ही वाली थी कि माधुरी ने उसको संभाल लिया, उसके मुंह पर पानी का छींटा डाला।
उसकी डायरी में देखकर उसके घर फोन किया। तब वो 5 दिन से बीमार थी, दवा खाकर स्कूल गई थी। कमजोरी की वजह से शायद उसको चक्कर आ गया होगा। ये भी पता चला कि उसके पिता वकील है। ये सुनते ही माधुरी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसको एक ही चिंता सता रही थी कि कल के न्यूज़पेपर में सबसे पहले ये न्यूज होगी कि स्कूल की अध्यापिका ने बच्ची को सजा दी और बच्ची बेहोश हो गई। मीडिया आएगी, उसे पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरे दिन जब शिवानी स्कूल के गेट पर ही दिखाई दे गई, तब जाकर उसकी जान में जान आई थी। माधुरी को शिवानी का इस तरह मिल जाना एक वरदान ही लग रहा था। वो उसका पूरा ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। माधुरी बिल्कुल ठीक थी। अब उनके घर जाने का समय आ गया था। सुबह सुबह जब शिवानी आई, तब मैम आप इतनी उदास क्यों लग रही है? आज तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। मैं घर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो जहां मैं अपनी बाकी जीवन शांति से बिता सकूं? शिवानी से उनकी आंखों की वीरानी छुप न सकी। इतने दिनों में कोई उनसे मिलने नहीं आया था। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे जो अपने घर वालों की उपेक्षा की वजह से अस्पताल से घर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे समय में वो खुद ही सबको समझा बुझा कर घर भेजने में अहम भूमिका निभाती थी। वो लोग शायद अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मैम आप चिंता न करें, मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। आजकल माँ घर में सारे दिन अकेली रहती है। मैं तो सारे दिन अस्पताल में ही रहती हूँ। आपको मैं घर पर ही ट्यूशन दिला दूंगी मैम, जिससे आपके पास अपने पैसे भी रहेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये कहकर शिवानी ने उनको सहारा देकर उठा दिया। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। आज उनकी छात्रा पराई होकर भी अपनी बन गई थी। अपने घर की शरण देकर उनके टूटते स्वाभिमान को बिखरने से बचा लिया था। मदनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब बर्तन बेचने वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक 10 साल की बेटी मुन्नी थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनको एकमात्र समय का ही खाना नसीब नहीं होता था। दिन भर बर्तन बेचकर जो पैसे महेश कमाता था, उसी से रात का खाना लेकर आता था। मैं जा रहा हूँ सविता। जा रहा हूँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बड़े दफ्तर जा रहे हो। अरे तुम ऐसा चिढ़ क्यों रही हो? बरसात में घर की छत टपकती है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और दिन भर में एक समय का खाना नसीब होता है और पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रही हूँ। तभी मुन्नी आकर कहती है, पिताजी आज मेरे लिए एक टॉफी लेते आना। हाँ बेटा जरूर। क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो? बेटा तुम्हारे पिताजी कोई टॉफी वॉफी नहीं लाने वाले। ये तो खाना ले आए वही बड़ी बात मानो। महेश से और ताने नहीं सुने जाते और वो अपना बर्तन का झोला उठाकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लक्ष्मी माता का एक मंदिर दिखता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त था तो वो वहां रुककर कहता है, हे माँ ये क्या जीवन है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो चुकी है और मेरी बच्ची को बस मैं झूठी आस देता आ रहा हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति का मुझे कुछ तो फल दे दो माँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और दिन भर बर्तन बेचकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर सविता कहती है, आ गए, आओ आओ, लाओ खाना दो। और हाँ, कल जब बर्तन बेचने जाओगे तो एक बर्तन छोड़ जाना। परसों धनतेरस है, कोई ना कोई बर्तन खरीदना जरूरी होता है। अब तुम नया बर्तन तो खरीद नहीं सकते, अब ये जो बेचने के लिए लाए हो इन्हीं में से एक छोड़ जाना। अच्छा, और अगर छोड़ जाऊंगा तो बेचूंगा क्या? अरे हमारे लिए खाना कैसे लाऊंगा? एक बर्तन में कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। क्या पता वही बर्तन बिकने वाला हो और मैं वही छोड़ जाऊं। महेश कोई बर्तन छोड़कर नहीं जाता और अगले दिन भी सारे बर्तन बेचकर खाना लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सड़क किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखते हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी कुछ मदद कर दूं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर महेश को दया आ जाती है और वो अपने हिस्से का खाना उन साधु महाराज को दे देते हैं।
वो खाना खाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है बाबा। महेश उन्हें अपनी सारी गाथा सुनाता है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर इस गिलास को मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आज के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। महेश उस गिलास को देखता है। वो देखने में गंदा सा पीतल का गिलास लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि वो बिना खाना लिए आया है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, सारे बर्तन भी बेचाए और खाना भी किसी को खिलाए। अब ऐसा करो, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी मुन्नी महेश के हाथ से वो गिलास लेते हुए कहती है, अरे माँ देखो, पिताजी एक गिलास लाए हैं। मैं खाने का कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। ये बोलकर महेश खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। इधर सविता मुंह फुलाकर बैठ जाती है और मुन्नी उस गिलास से खेलने लगती है। अरे वाह माँ, माँ देखो जरा कितना मजेदार खेल है। अब क्या हो गया मुन्नी, क्या दिखा रही हो? सविता मुन्नी की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उस गिलास में मुन्नी थोड़ी सी मिट्टी डाल रही है और गिलास को टेढ़ा करके मिट्टी नीचे गिरा रही है। अरे ये क्या हो रहा है, मिट्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है, गिरती ही जा रही है। अब सविता मुन्नी के हाथ से गिलास लेती है और उस गिलास में चावल के दो दाने डालती है और एक प्लेट में उस गिलास को टेढ़े करके चावल नीचे गिराने लगती है। ये क्या हो रहा है, इतने चावल कहाँ से आए इस गिलास में? अब सविता थोड़े से गेहूं लाती है और उस गिलास में डाल देती है और गिलास को टेढ़ा करती है। गिलास से गेहूं निकलते ही जाते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, सविता ये चावल और गेहूं तुम किसके यहाँ से मांग कर लाई हो? अरे चुप करो जी, पहले ये देखो, आप ये जो सोने का गिलास लाए हो, इससे क्या हो रहा है? सोने का गिलास? सविता महेश को पूरी बात बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि ये पीतल का नहीं बल्कि एक जादुई सोने का गिलास है। अब महेश एक बोरी में गिलास की मदद से गेहूं भर लेता है और गेहूं बाजार में बेचकर उसे धनतेरस और खाने का सामान खरीद लाता है और खुशी से घर लौटता है। सविता ये लो, धनतेरस का सामान माँ लक्ष्मी की कृपा से इस बार की धनतेरस सबसे अच्छी मनेगी। चलो घर को सजाते हैं, कल धनतेरस है। अगले दिन सुबह उठकर महेश और सविता धनतेरस की तैयारियां में लग जाते हैं और अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करके धनतेरस मनाते हैं और खुश होते हैं। उनकी खुशी उनके पड़ोसी अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो सोचता है, ये महेश का बच्चा बड़ा खुश हो रहा है इस बार है? पिछले धनतेरस पर तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे, लगता है इसने कहीं चोरी चकारी की है, तभी इतनी खुशी से घूम रहा है, इसे तो मैं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से निकलता है और महेश की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और महेश और सविता की सारी बातें चुपके चुपके सुनता है। फिर समझ जाता है कि इनके पास जादुई सोने का गिलास है और वो उस जादुई गिलास को चुरा कर अपने घर ले आता है। अब मैं बनूंगा मालदार, ये महेश तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो गिलास में दूध डालता है और उसे टेढ़ा कर देता है, पर गिलास से दूध की जगह बहुत से कीड़े मकोड़े निकलकर अर्जुन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। ये देखकर अर्जुन बाहर की तरफ भागता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! महेश अर्जुन का चिल्लाना सुनता है और घर से बाहर आता है। महेश देखता है कि अर्जुन जमीन पर लौट रहा है और उसके ऊपर बहुत से कीड़े हैं जो उसे काट रहे हैं। अर्जुन ये क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर इतने कोड़े कहां से आए? अर्जुन महेश को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसका जादुई गिलास चोरी किया और उस गिलास से ही ये सारे कीड़े मकोड़े निकले और उसके ऊपर चढ़ गए। महेश समझ जाता है कि उसने लालच किया और अर्जुन को उसी की सजा मिली है। अर्जुन खड़े होकर गिलास से माफी मांगो, तुमको तुम्हारे लालच की सजा मिली है।
मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। महेश भी अर्जुन को माफ कर देता है और सब अपने घर चले जाते हैं। अब उस जादुई सोने के गिलास की मदद से महेश अपने काम को और बढ़ाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।